इसको मैं एक बार अच्छे से करके बता रहा हूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द डायमीटर ठीक है डायमीटर निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई द राइट एंगल ट्राइंगल ओके पाइथागोरस थ्योरम तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस डायग्राम को ठीक है इसमें ये सिक्स यूनिट है ये सिक्स रूट थ्री है ठीक है आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है सो दिस विल बी नथिंग बट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और यहां से हाइपोटिनियस स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर दिस इज नाइन्टी डिग्री ना सो सिक्स रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस बेस सिक्स स्क्वायर ठीक है इसको इजी करने के लिए फिल टेक येगा सिक्स रूट स्क्वायर इंटू थ्री प्लस सिक्स स्क्वायर इसको इजी करने के लिए टेक सिक्स स्क्वायर कॉमन दिस विल बी थ्री प्लस वन ठीक है और एच विल बी इज इक्वल टू रूट ऑफ सिक्स स्क्वायर इंटू फोर सो ये कैलसी करने के लिए मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ so, 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 यूनिट्स आया ठीक है जैसे ये ट्वेल्व यूनिट्स आया हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लेते हैं ठीक है एरिया ऑफ सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल

हम लोगों ने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला लार्ज सेमी सर्कल उससे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो एरिया है ठीक है दिस इज नथिंग बट अ ट्राइंगल अ राइट एंगल ट्राइंगल इसका एरिया कितना हो जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैं यहीं पर कैलकुलेट करता हूं ठीक है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओके सो द सो व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सो हाफ इंटू बेस बेस इज हाउ मच सिक्स इंटू हाइट इज हाउ मच सिक्स रूट थ्री यूनिट्स ठीक है तो ये कितना जाएगा टू थ्री जा दिस विल बी एटीन रूट थ्री यूनिट स्क्वायर ठीक है सो एरिया ऑफ राइट एंगल भी आ गया अब मुझे क्या निकालना है आई हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑल्सो दिस स्मॉल सेमी सर्कल ठीक है ये जो स्मॉल सेमी सर्कल है इसका एरिया भी निकालना है इसका एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखना है इस चीज को ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट इस एरिया को निकालने के लिए यू नीड बेसिकली आपको एक सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा सेंटर पॉइंट से आपको एक रेडियस लेना पड़ेगा ऐसे और ये रेडियस भी सिक्स होगा ठीक है ये रेडियस भी सिक्स होगा और ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है, है तो ये एक तो ट्राइंगल है लेकिन यहाँ से मैं कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकता हूँ इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ऐसा है ना ये इस तरीके से है अब मुझे ये एरिया निकालना है ठीक है ये एरिया निकालना है मुझे तो अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से और इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो ठीक है तो ये सिक्स है ये सिक्स है ये सिक्स है ठीक है थीके? दिस दिस एंगल विल बी 60 degree. Why this angle will be 60 degree? क्योंकि ये एक एक कैसा है? ट्राइंगल है ठीक है समझ में मैं एक बार दोबारा आई एम रिपीटिंग इट अगेन आर गेटिंग इट और नॉट सो विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं सो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई थ्री सिक्सटी ठीक है थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू इंटू एरिया ऑफ सर्किल ठीक है आप इसको थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू एरिया ऑफ सर्किल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर ठीक है सो थीटा इज हेयर सिक्सटी डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर रेडियस इज सिक्स स्क्वायर ठीक है और सिक्स इंटू सिक्स ऑल्सो यू कैन राइट सो सिक्सटी सिक्स टाइम्स ओके okay, तो यहां से कितना आ गया यहां से ही आ गया और इस सिक्स से कैंसिल तो यहां सेक्टर आ गया सिक्स पाई दिस मच इज क्लियर देन नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली अब यहां से अगर आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ना रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर सो दिस विल बी रूट थ्री बाई फोर इंटू ए ए इज नथिंग बट द साइड तो ये कितना ये है ठीक है सो टू थ्री जू टू जू थ्री जा सो दिस बी थ्री थ्री नाइन नाइन रूट थ्री ठीक है दिस विल बी नाइन रूट थ्री स्क्वायर यूनिट ओके ये सारी स्क्वायर यूनिट्स में आएंगे एरिया है दिस मच क्लियर? इतना क्लियर है ओके okay. चलो ठीक है तो अब हमारा अब यहां से जो ये जो स्मॉल सेमी सर्किल है ना स्मॉल सेमी सर्किल का एरिया बहुत इजली आ जाएगा ठीक है सो सो द एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पूरे सेक्टर के एरिए में से जो पूरा एरिया निकाला हमने एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेट्रल ट्राइंगल ठीक है तो ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल विल बीजीगल एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया हमारा सिक्स पाए माइनस नाइन रूट थ्री ठीक है ये क्या आ गया एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल ओके और अब इजी अब ये क्वेश्चन इजी हो गया हमारे लिए अब हमें क्या निकालना है दिस शेडेड पोर्शन तो अगर हम टोटल सेमी सर्कल जो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकाला है एटीन पाए इसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें इसमें से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर दें ठीक है प्लस ये स्मॉल सेमी सर्कल माइनस कर दे सो वी विल गेट ठीक है देयर फोर द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इट इज नथिंग बट एटीन पाई इस एटीन पाई से आपको क्या माइनस करना है फ्रॉम दिस एटीन पाई यू हैव टू माइनस द एरिया ऑफ बोथ ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज दिस स्मॉल सेमी सर्कल

ओके प्लस सिक्स पाई ठीक है अगर मैं माइनस साइन खोलूँगा दिस विल बी एटीन पाई माइनस नाइन रूट थ्री और दिस विल बी माइनस सिक्स पाई सो दिस विल बी ट्वेल्व पाई माइनस नाइन रूट थ्री ठीक है वहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी ठीक है ओके और यहाँ पर इफ यू टेक अगर दोनों में आप देखोगे वट इज़ कॉमन थ्री इज कॉमन ठीक है थ्री कॉमन लोगे तो दिस विल बी फोर पाई माइनस थ्री रूट थ्री Take, if you will take 3 common, so 3 pi minus, sorry, 4 pi minus 3 root 3, okay? So, B is the right answer, square units, okay?